दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा की है। किदवई नगर से भाजपा प्रत्याशी महेश त्रिवेदी के समर्थन में अनुप्रिया ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी और उनके गठबंधन सरकार फिर से बनने जा रही है, विपक्षियों के दावे धरे के धरे रह जाएंगे। योगी सरकार के शानदार काम के दम पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है। प्रदेश का चौमुखी विकास फिर से सरकार बनने का कारण बनेगा। अनुप्रिया ने दावा किया कि प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है, एनडीए फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी कर रहा है। उन्होंने भाजपा के महेश त्रिवेदी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए अनुप्रिया पटेल ने दावा किया बचे हुए कार्यों को नई भाजपा गठबंधन सरकार आगे बढ़ाएगी। जो भी कार्य आधे अधूरे हैं या जिनका शिलान्यास किया जा चुका है उनको आगामी 5 सालों में पूरा करके आम जनता को राहत देने का काम किया जाएगा। प्रदेश में निवेश का माहौल बना है जिससे रोजगार बढ़ेगा। एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने के बाद अब नदियों को जोड़ने का भी काम शुरू किया जाएगा। अनुप्रिया पटेल ने सभी विरोधियों के दावों को खारिज करते हुए समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला और कहा सपा मुखिया अखिलेश यादव मुंगेरी लाल जैसे हसीन सपने देख रहे हैं जो कि सच होने वाले नहीं हैं। सपा सहित विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, जनता उनकी असलियत जानती है, जनता अब इनकी सत्ता नहीं सौंपने वाली है। केंद्रीय मंत्री ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि जब चुनावी नतीजे आएंगे तो विपक्षी मुंह ताकते रह जाएंगे, प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ बनाएगी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।